हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी और सिंपल मिर्ची अचार की रेसिपी लेके आए हैं, जिसमें मैं दो तरीके के मिर्च यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये कम तीखी हैं और एक थोड़ी सी ज़्यादा तीखी हैं। ये पतले वाली ज़्यादा तीखी होती हैं। अच्छे से धो के इनको सुखा लिया कपड़े से। एक मैंने इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि वो देखने में सुंदर लगे। डालना ना डालना आपकी मर्जी है। इसके ऊपर के इस तरह से ये तोड़ देंगे। डंठल ज़रूर तोड़ दें क्योंकि इसी से अचार ख़राब होता है। छोटा छोटा काट रही हूँ मैं, आपकी मर्ज़ी। आप इसको चाहे लंबा लंबा काट दो, जैसे आपको पसंद हो। दो चम्मच लिए हैं सरसों के दाने, एक चम्मच मेथी दाना और दो चम्मच लिया है सौंफ। इनको अच्छे से भूनना है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको भूनना है आराम से, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा नहीं इसको गर्म करना। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आराम से। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो ये रोस्ट हो गए हैं सारे मसाले। अगर आप इसमें सरसों ये वाली काले वाली नहीं ले जाते हो तो पीली सरसों भी ले सकते हैं और इसमें कलौंजी भी ले सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं खाते हैं तो नहीं डालें, उसके बिना भी बन जाएगा। मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, वैसे डलती है कलौंजी अचार में। तो रोस्ट हो गए हैं मसाले, अब इनको ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद दरदरा इनको कूटना है। उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया सरसों का। अचार हमेशा सरसों के ऑयल में ही बनता है। आप चाहो तो रिफाइंड ले सकते हैं, पर सरसों के तेल में ही टेस्टी बनता है अचार। तेल को इतना गर्म करना है कि इसमें धुआं निकलने लग जाए। इस तरह से पकाने से फिर उसमें सरसों के तेल की स्मेल नहीं आती और अचार टेस्टी बनता है, लंबे समय तक भी चलता है पकाने के बाद। ये मैंने इसको दरदरा कूट लिया है। आप चाहे तो आप इसे मिक्सी में पीस। ये हो गया मसाला तैयार। अगर आपको अचार को लंबे समय तक रखना है तो आप ज़्यादा तेल डालें। जितना भी अचार उसमें आए बोतल में भरने के बाद ऊपर से ऑयल को पूरा फिल कर दे और आधा इंच इतना ज़्यादा भरना है कि आधा इंच अचार से ऊपर आ जाए ऑयल। ये मैंने इसमें लिया है नमक। नमक स्वाद के अनुसार ले लें और हल्दी लिए छोटा चम्मच। दो चम्मच डालूंगी विनेगर। अगर आप विनेगर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें लेमन जूस भी ले सकते हैं। एक नींबू का रस इसमें डाल दें, या तो नींबू के टुकड़े भी छोटे छोटे काट के आप इसमें डाल सकते हैं। अब सारा मसाला इसमें डाल दूँगी और कोटिंग कर देंगे अच्छे से पूरे मसाले की, ताकि हर टुकड़े पे मसाला आ जाए। इस टाइम चख लिए नमक, अगर कम लग रहा है तो थोड़ा और डाल दें। अचार में नमक थोड़ा सा तेज़ी होता है। अच्छे से इसमें कर दिया है मैंने मिक्स मसाले को। ऑयल भी हमारा ठंडा हो गया है। अगर आप ज़्यादा अचार बना रहे हैं तो ज़्यादा ऑयल का यूज़ करें और अच्छे से उसको डिप कर दें। मैं ये थोड़े से दिन के लिए चलेगा, इसलिए मैंने इसको कम तेल में बनाया है। कम तेल में भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो ज़्यादा ऑयल का यूज़ करें, और ऑयल को इसी तरह से पका के आपको लेना है। तैयार हो गया है अचार, को इसी टाइम भी खा सकते हैं। किसी भी रोटी या पराठे के साथ अच्छा लगता है, किसी भी सब्जी के साथ उसका स्वाद बढ़ा देता है। अब इसको कांच के बर्तन में रखना है। अच्छे से धो के इसको सुखा लिया है, उसके बाद इसमें डालूंगी अचार को। मॉइस्चर कहीं भी नहीं आना चाहिए, तब अचार ख़राब होता है। अगर आपको यूज़ करना है तो सूखी चम्मच ही से ही अचार को निकालें। बिल्कुल ख़राब नहीं होता अचार, आप साल भर तक रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, भारी ठीक रहता है अचार। लंबे समय तक रखने के लिए ऑयल को अच्छे से भर दें। ये ले ली, आज टेस्टी सा अचार तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इसको बिल्कुल धूप में रखने की ज़रूरत नहीं, इसी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और अगली बढ़िया सी रेसिपी में, जब तक के लिए बाय।